क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग का आया है वो है इसमें आप लोग का व्यक्ति जो वक्तव्य और पूर्वानुमान से। जी हाँ, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ही इसमें ये दे दिया गया, थोड़ा सा बढ़ रहा है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक वक्तव्य दिया गया जिसके आगे दो पूर्वानुमान दिया, दो पूर्वानुमान दिए गए वन और दो। आपको विचार करना है कि जो वक्तव्य है वो सत्य है चाहे वो सामान्य ज्ञानों से तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता है, यानी कि जो ये वक्तव्य दिया हुआ ये बिल्कुल सत्य है, आप लोग को मान के चलना है, ठीक है। आपको निर्णय करना है कि दिए गए वक्तव्यों में से कौन सा निश्चित रूप से सही पूर्वानुमान निकाला जा सकता है, अपने उत्तर को निर्दिष्ट कीजिए। मीन्स ये जो वक्तव्य दिया गया इसे आप लोग को सही मानना है चाहे गलत ही प्रतीत हो रहा हो, ठीक है। बट नीचे जो इसमें आप लोगों के कुछ पूर्वानुमान दिए हुए हैं, ठीक है, तो ये आप लोगों को निकालना है कौन सा निश्चित रूप से सही पूर्वानुमान निकाला जा सकता है इस वक्तव्य के अनुसार। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें वक्तव्य है आप लोग का सैद्धांतिक शिक्षा से आर्थिक प्रगति नहीं होती और इससे देश में आत्मविश्वास और धन की निरंतर कमी होती है। मीन्स इसका कहना है सैद्धांतिक शिक्षा से आर्थिक प्रगति नहीं होती और आत्मविश्वास और धन की भी निरंतर हानि होती है, ठीक है। तो इसमें आप लोग पूर्वानुमान देख सकते हैं आत्मविश्वास के विकास और आर्थिक विकास में गहरा संबंध है। मीन्स आत्मविश्वास के विकास और आर्थिक विकास में गहरा संबंध है। तो और एक दूसरा है इसमें आत्मविश्वास के विकास में सैद्धांतिक शिक्षा का अमूल्य योगदान है, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा, ठीक है। तो आप लोग भी इसे पढ़िए। इसमें पहला है ऑप्शन के एक निहित है, दो निहित है, एक और दोनों निहित है, और इसके अलावा जो डी है आप लोग का एक और दोनों निहित नहीं है, ठीक है। मैं पहले आप लोग को बता दूं इसके जो आंसर कोई मैंने आप लोग को पीडीएफ नहीं दिया, ठीक है, ये आप लोग का एग्जामिनेशन पेपर है, तो इसके जो क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशन है वो मेरे खुद के निकाले हुए, ठीक है। तो आप लोग भी देखिए, यदि आप लोग को कुछ गलत लगे तो मुझे बताइएगा, मैंने कहीं किसी से आंसर लेके या किसी पीडीएफ से नहीं उतारा, मैंने खुद इसके सॉल्यूशन निकाले, ठीक है। तो इसका जो मुझे आंसर लगता है वो ये है कि एक और दो दोनों निहित नहीं है। जी हाँ, दोनों ही निहित नहीं है। मीन्स आत्मविश्वास के विकास में सैद्धांतिक शिक्षा का अमूल्य योगदान है, ऐसा कुछ इससे प्रकट नहीं हो रहा, ठीक है। और आत्मविश्वास के विकास और आर्थिक विकास में गहरा संबंध है, ऐसा भी कुछ प्रकट नहीं हो रहा। तो मेरे हिसाब से जो है इसका आंसर डी होगा। तो चलिए मैं आप नेक्स्ट पे चलते हैं, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। सेकेंड है आप लोग का एक अनुपात आठ। मीन्स आप लोग को इसमें सेम मीनिंग सेम आगे जो वर्ड आएगा वो आप लोग को निकालना है, ठीक है। जैसे आप लोग एक आठ दे रखा है, इसके बाद 27 और नेक्स्ट यहाँ पे क्या आने वाला है, तो आप लोग इसमें देखेंगे तो कुछ इसमें सिमिलरिटी नजर आएंगी आप लोग को। जैसे कि यदि आप लोग इसे 1 का स्क्वायर करते हैं, 1 का क्यूब करते हैं, इसे 2 का क्यूब करते हैं तो 8 आएगा, ठीक है। इसे 3 का क्यूब करते हैं तो 27 आएगा। इसी प्रकार से 1, 2, 3, तो यानी कि यहाँ पे 3 के बाद आप लोग का 4 आएगा। जैसे यहाँ 1, 2 है तो यहाँ पे 3 के बाद 4 आएगा, यानी कि 4 का जो आप लोग को क्यूब करना है यानी कि 64 आंसर आएगा, 2 का 64 आंसर आएगा। तो मैंने आप लोग को पहले ही बताया पेपर आसान आता है। इसके बाद नेक्स्ट है आप लोग का 3, ठीक है, 3। मैं आप लोग इसके आंसर भी दिखा देता हूं ताकि आप लोग साथ के साथ इसे अपनी तरफ से देखते भी रहे, ठीक है। ये है आप लोग का, जैसे मैंने आप लोग को बताया 1 का क्यूब, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब और 4 का क्यूब, यानी कि आंसर डी बिल्कुल सही है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है आप लोग का 24, 126 एंड 48। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, अगर आप लोग इसमें थोड़ा सा ध्यान दें तो आप लोग इसमें देख सकते हैं यहाँ पे 24 यानी कि यहाँ 25 एक ऐसी संख्या बन रही है जो 5 का स्क्वायर हो सकता है, और यदि यहाँ पे 1 घटा दिया जाए तो यहाँ पे 125 हो सकता है। इसी प्रकार से यहाँ पे हम 149 में से 1 घटा दे तो यहाँ पे 42 होता है। तो यहाँ पे आप लोग सिमिलैरिटीज देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग यदि 5 का स्क्वायर -1 करते हैं और 5 का क्यूब -1 करते हैं तो ये आ जाता है, यानी कि यहाँ पे स्क्वायर और यहाँ पे क्यूब करने पे माइनस और प्लस। इसके बाद यहाँ पे 7 का स्क्वायर -1 करेंगे और 7 का क्यूब आप लोग को +1 करना पड़ेगा, जैसा कि यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से करने पे आप लोग का जो आंसर आएगा वो 344, यानी कि आंसर डी बिल्कुल सही है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा इसे। इसके बाद चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आप लोग का फोर्थ में आप लोग का 987 IGH और 654। मीन्स इसमें आप लोगों को कुछ सिमिलरिटीज निकालनी है इसी प्रकार से। तो आप लोग देख सकते हैं 789 यानी कि GHI सिमिलरिटीज है, यानी कि बढ़ते क्रम में है लेफ्ट साइड से, ये भी बढ़ते क्रम में लेफ्ट साइड से, और जो सेवंथ पोजीशन पे G है, ठीक है, ABCDEFG, ठीक। तो इसी प्रकार से आप लोग फोर्थ पोजीशन का यहाँ पे सबसे लास्ट में निकालेंगे ABCD, यानी कि जो है आप लोग का ये आने वाला ई आपका DEF, यानी कि बी आंसर आना चाहिए आप लोग का फोर्थ का बी बिल्कुल सही है, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग करते रहेंगे, देखते रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है आप लोग का फोर्थ के बाद 5th to 11th आप लोग को
विषम शब्द, विषम अक्षरों और संख्या आकृति को चुनना है इसमें, तो जो विषम है उसे आप लोगों को निकाल देना है। जैसे कि यहाँ पे कमरा है, चैम्बर है, बरामदा है, केबिन है, तो इसमें कुछ सिमिलैरिटीज है, एक जो है विषम है, तो विषम इसमें मैं आप लोग को बताऊं तो इसमें मुझे विषम बरामदा लग रहा है, क्योंकि बरामदा जो होता है वो ओपन होता है, कमरा भी आप लोग को क्लोज होता है, ठीक है, कमरा हुआ चाहे चैम्बर हुआ एक केबिन होता है, लेकिन बरामदा जो है पूरी तरीके से इसे आप ओपन रख सकते हैं। तो ये आप लोग का सी जो है ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, इसमें सी ऑप्शन आएगा। इसी प्रकार से आप लोग सिक्स में देख सकते हैं माउथ आर्गन, इलेक्ट्रिक गिटार, कीबोर्ड और सोनाटा। सोनाटा जैसे कि ये वॉच की वॉच कंपनी है, उसकी कंपनी है, ठीक है, लेकिन ये सारा का सारा जो है ये इलेक्ट्रिक से रिलेटेड है, तो यानी कि मेरा जो अनुमान है ये सिक्स का डी ही होना चाहिए, सोनाटा। इसके बाद चलिए सेवंथ में आप लोग को बताता हूँ। सेवंथ में आप लोग देख सकते हैं ए डी वन ई, तो सीधे सीधे पता लग रहा है सेवंथ का जो है बी आंसर बिल्कुल गलत है, तो बहुत ही सिंपल पेपर है। इसके बाद एट्थ क्वेश्चन है आप लोग का आर एम एन एम पी जे एफ ई एच आर पी ओ क्यू और एच डी एफ सी एफ, तो इसमें आप लोग देखेंगे तो कुछ सिमिलैरिटीज ऐसे नजर आ रही है, सॉरी एम एन हो गया यानी कि लेफ्ट से राइट एम एन, फिर इसके बाद ओ पी यानी कि एक छोड़ के यहाँ पे पी आ रहा है, इसमें आप लोग देखेंगे ई एफ, ठीक है, एफ जी एच यानी कि ये बिल्कुल ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है आप लोग का ओ पी पी क्यू यानी कि जो सी आंसर है ये बिल्कुल आप लोग का गलत है, इसमें गैपिंग नहीं आ रही है, ओ के बाद पी है लेकिन पी के बाद डायरेक्ट क्यू आ रहा है, इसमें जो है एक वर्ड का गैप नहीं है, तो यानी कि एट्थ का जो सी है वो आप लोग का सी आंसर ही आना चाहिए, तो आप लोग देख सकते हैं एट्थ का सी है, ठीक है। इसमें आप लोग नाइन्थ चलेंगे, नाइन्थ में आप लोग देख सकते हैं इसी प्रकार से ए बी सी डी ई आई एफ जी एच ओ ए पी क्यू आर एल, यानी कि बिल्कुल साफ पता चल रहा है कि सी जो है आप लोग का गलत है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट चलते हैं टेंथ, टेंथ में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 6243, ठीक है, और 2643, 8465, 4867, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, तो देखिए मैं तो अभी थक चुका हूँ, तो टेंथ का आंसर आप लोग को देना है। जी हाँ, टेंथ का आंसर अब आप लोग दीजिएगा कि क्या इसका आंसर आने वाला, क्वेश्चन देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए इसके बाद इलेवंथ में आप लोग को बताया था, इलेवंथ में आप लोग देख सकते हैं 49, 33, 62, 49, यानी कि इसमें आप लोग यदि डिफरेंस निकालेंगे तो सभी के डिफरेंस लगभग लगभग एक आएंगे, लेकिन यदि आप 70 - 55 करते हैं तो यहाँ पे 15 डिफरेंस आता है, ठीक है, ये सबसे अलग है, यानी कि 11 का डी आंसर है। तो ये है आप लोग का इस प्रकार का क्वेश्चन, इलेवंथ आप लोग के हो गए। इलेवंथ के बाद बारी आती है आप लोग की ट्वेल्थ की। जी हाँ, इलेवंथ के बाद बारी आती है ट्वेल्थ की, तो ट्वेल्थ में आप लोग देखेंगे यहाँ पे कुछ इसने क्वेश्चंस किया है कि समीकरण के सर्व गुण अपनाया जाता है, डी को पूर्ण करने के लिए सही मान निकालिए, ठीक है, डी को पूर्ण करने के लिए यहाँ पे आप लोग को जो है यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसमें कई इक्वेशन दिए हुए, जैसे ए बी सी डी में ए में जो 714 आ रहा है ये, अगर यदि 51 और 14 को आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो आप लोग 714 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से 61 और 15 को करते हैं तो आप लोग 915 आता है, तो इसी प्रकार से डी का आंसर भी यही होगा, यदि 81 को 17 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोग का जो आंसर आएगा वो 1377, यानी कि 12 का जो है ए आंसर बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। चलिए इसके बाद आप लोग का 13वां क्वेश्चन है, इसमें आप लोग को जो डिवाइड दे रखा है उसकी जगह आप लोग को इक्वल रखना है, 2 तथा 3 का स्थान बदल देना, यानी कि जहां पे 2 है वहां पे 3 कर देना, जहां पे डिवाइड है वहां पे इक्वल कर देना है, बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा सही आएगा, तो यदि आप लोग इसे सॉल्व करते हैं तो आप लोग का जो आंसर बी है ये बिल्कुल सही आएगा। जी हाँ, यहाँ पे आप लोग 5 = 15 और भागा 2 करेंगे, यानी कि 2 यहाँ पे आप लोगों को 3 आ जाएगा, 3 × 5 = 15, 5 = 3, ठीक है, यहाँ पे मैंने कर रखा है, आप लोग देख सकते हैं 5 = 15 / 3, यानी कि बी आंसर बिल्कुल सही है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट 14 क्वेश्चन, तो यहाँ पे आप लोग का दे रखा है, कोई इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, 25 × 2 × 6 = 2, तो यहाँ पे प्रत्येक सेट को यानी कि स्टार के स्थान पर क्या रखा जा सकता है कि जो इक्वल इतना है, ठीक है, तो आप लोग को ये देखना है कि ये ऐसे रखना है कि ये इक्वल टू ये इक्वल हो जाए, तो आप लोग इसे बारी बारी से रख के देखेंगे, तो यदि आप लोग इसे बारी बारी से रख के देखते हैं तो यहाँ पे जो ए है ए बिल्कुल सही बैठेगा, यस, यानी कि 25 × 2 प्लस और -6 करते हैं इक्वल, ठीक है, यहाँ पे 44
इंटू 11 प्लस 0, ठीक है, तो ये आंसर बिल्कुल ठीक आएगा, 14 का ही, ठीक है, आप लोग देख लें फ्रेंड्स। इसके बाद नेक्स्ट है वो आप लोग का 15वां क्वेश्चन है। 15 में आप लोग देख सकते हैं कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करना, जी हाँ लुप्त संख्या ज्ञात करना, ये कुछ स्क्वायर दिया हुआ है, कुछ नंबर दिए हुए, आप लोग के यहाँ जो क्वेश्चन मार्क है इसमें आप लोग को आंसर देना है कि क्या आ सकता है। तो यहाँ पे आप लोग जितनी भी गुणा भाग जो भी मतलब टिकम लगा सकते हैं आप लोग लगा के देखिए किस तरीके से क्या है। तो यहाँ पे जो मैं अपने हिसाब से देख रहा हूँ वो ये है, देखिए ये जो पहली संख्या दी हुई है, ठीक है, पहली रो जो दी हुई है इसमें यदि आप लोग 2 को 18 से डिवाइड करते हैं यानी कि 2 × 18 9 आता है आप लोग को, और जो ऊपर के दोनों है ये 4+5 यानी कि 9 होते हैं, तो ये आप लोग का इस तरीके से। इसी प्रकार से यदि आप लोग 3 दूसरी रो में देखते हैं 3 × 27 यानी कि 9, यानी कि ऊपर के दोनों को आप लोग जोड़ते हैं तो 9 आता है, तो यही इक्वेशन जो है आप लोग की इस रो में बनेगी, यानी कि अगर जिससे आप लोग डिवाइड करेंगे वो ये दोनों के जोड़ होंगे, दोनों का जोड़ जो है ये 16 है, यानी कि 16 × 96 जी हाँ 6, यहाँ पे 6 आना चाहिए, यानी कि 15 का जो डी आंसर बिल्कुल ठीक है, आप लोग देख लेंगे मेरे हिसाब से आंसर बिल्कुल सही है। तो चलिए इसके बाद 16 क्वेश्चन करते हैं। तो 16 में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पहले मैं आंसर निकाल देता हूँ यहाँ पे आप लोग का, ठीक है, 16 में आप लोग देख सकते हैं पीटर जो है 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद दाई ओर मुड़ जाता है, तो पश्चिम की ओर चलने के बाद दाई ओर मुड़ जाता है यानी कि 8 किलोमीटर। तो मान लीजिए कि जो आप लोग का पीटर है ये ए है, ठीक है, ये पीटर है, यहाँ पे मैंने आप लोग को डायरेक्शन बना रखा है, तो पश्चिम की ओर ये 8 किलोमीटर जा रहा है, चलने के बाद ये दाई ओर मुड़ गया 3 किलोमीटर यानी कि दाई ओर यानी कि ऊपर की तरफ 3 किलोमीटर मुड़ गया, उसके बाद वह फिर दाई ओर मुड़ गया मीन्स आप लोग के राइट साइड, तो फिर ये 8 किलोमीटर चलता है, सॉरी 12 किलोमीटर चल रहा है, तो 12 किलोमीटर चला उसके बाद उस स्थान से कितनी दूरी पर जहां से उसने चलना प्रारंभ किया था, यानी कि ए से ए की आप लोग को दूरी निकालनी है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से कोई दूरी नहीं निकल पाएगी, लेकिन यहाँ पे जो आप लोग की जो प्रारंभिक बिंदु है यहाँ से आप लोग ऊपर एक लाइन लेके जाएंगे तो ये बिल्कुल आप लोग का एक स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, सॉरी आयत बन जाएगा यहाँ पे, लेकिन इसके बाद यहाँ पे आप लोग की जो है इक्वेशन बनने वाली है। जी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है यहाँ पे 3 किलोमीटर आप लोग का हो जाएगा, 12 ये आप लोग का 8 हो जाएगा, तो यानी कि ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग को ए स्क्वायर निकालना है, तो ए स्क्वायर इक्वल टू आप लोग का जो होगा ए डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो इस प्रकार से अंडर रूट में आप लोग निकाल लेंगे, 5 आंसर आएगा, यानी कि आंसर डी आप लोग का बिल्कुल ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आप लोग को जरूर मिलेंगे ये आप मान के चलिए, ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन निकालने आप लोग जरूर सीख लेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, जी हाँ ये भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है कि बाबू रहीम का पड़ोसी है, सॉरी मैं आप लोग को पहले निकाल के दिखा देता हूँ यहाँ पे, यस बाबू रहीम का पड़ोसी है, उसका मकान पश्चिमोत्तर दिशा में 200 मीटर की दूरी पर, यानी कि बाबू रहीम का पड़ोसी है, तो बाबू यहाँ पे पश्चिमोत्तर दिशा में, रहीम का पड़ोसी है जो कि पश्चिमोत्तर दिशा में 200 मीटर की दूरी पर है। तो मान लीजिए आपने यहाँ पे एक जो डायरेक्शन दे दिया, इसके बाद रहीम बाबू जो है उत्तर पश्चिम दिशा में, आप लोग का पश्चिमोत्तर दिशा में है तो आप लोग का यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, जोसेफ रहीम का पड़ोसी है और उसका मकान दक्षिण पश्चिम दिशा में 200 मीटर की दूरी पर, ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम आप लोग का ये हो जाएगा, और गोपाल जोसेफ का पड़ोसी है और वह दक्षिण पूर्व दिशा में 200 मीटर की दूरी पर है, गोपाल जोसेफ का, तो ये आप लोग का दक्षिण पूर्व यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से ये 200 हो जाएगा। और इसके बाद आप लोग का है राय गोपाल का पड़ोसी है और उसका मकान पूर्वोत्तर दिशा में, राय जो है गोपाल का पड़ोसी है, अब पूर्वोत्तर दिशा में आप लोग का अगर यहां से ये निकालेंगे तो पूर्वोत्तर आप लोग की ये होगी डायरेक्शन, ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे रॉय हो गया, तो यहाँ पे भी 200 है, यहाँ पे भी 200 है, बिल्कुल ये सेंटर में आप लोग का पॉइंट आएगा, ठीक है, तो राय का मकान बाबू के मकान से किस दिशा में, तो आप लोग को राय का मकान बाबू के मकान से, यानी कि बाबू का आप लोग इस दिशा में, तो राय का आप लोग का साउथ ईस्ट दिशा में, ठीक है, साउथ ईस्ट दिशा में आप लोग का जो है ये मकान होगा, तो साउथ ईस्ट आपका हो गया ए, ए आंसर आप लोग का बिल्कुल ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर आते हैं, जैसे मैंने आप लोग को बता दिया 2 क्वेश्चन आप लोग को जरूर मिलेंगे। तो फ्रेंड्स इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप लोग का 18वां क्वेश्चन, जी हाँ 18वां क्वेश्चन ये है आप लोग का दर्पण और घड़ी से संबंधित। तो मैं आप लोग को बता दूं इस प्रकार के डायरेक्शन वाले, दर्पण, घड़ी वाले, इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग के जरूर आएंगे, 2, 3, 4 क्वेश्चन तक आप लोग के आ सकते हैं, तो आप लोग इसे जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और यदि आप लोग, मुझे लगता है अगर सिलेबस के बारे में आप लोग को जानकारी नहीं है, मीन्स किस किस चैप्टर से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप लोग मेरा वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने पूरी डिटेल दी हुई है, वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है,
और फिर भी कुछ प्रॉब्लम हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछिए, मैं आप लोग को पूरी जानकारी दूंगा। और इसके अलावा मैंने आप लोग के लिए एक फेसबुक पेज बनाया हुआ है जिसमें सीआईएसएफ ट्रेड्समैन हो चाहे सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल हो, इसके अलावा कोई भी डिफेंस रिलेटेड कोई भी अगर आप लोग मेरे से कुछ अटैच रहना चाहते हैं या फिर किसी भी प्रकार का मैसेज वगैरह मैं उस पर देता रहता हूं तो आप लोग मेरे से उस पर जुड़ जाइए। जी हाँ, उसको उस पेज फेसबुक पेज को आप लोग लाइक कर लीजिए ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत कभी भी हो आप लोग मेरे से कमेंट करके पूछते रहें और आपस में भी आप लोग जो है जो मैसेज वगैरह आदान प्रदान करते रहें। तो कुल मिला के मैंने आप लोगों को 17 क्वेश्चन करा दिए। इस प्रकार से 18वां जो मैंने आप लोगों को बताया ये दर्पण से संबंधित है। जी हाँ, दर्पण से संबंधित है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक दर्पण में घड़ी के प्रतिबिंब में समय जो है 3:45, यानी कि दर्पण में जो घड़ी का प्रतिबिंब है उसमें 3:45 का टाइम हो रहा है और वास्तव में घड़ी कितने बज रहे हैं, तो वास्तव में उस पर कितना टाइम होगा तो मैं आप लोग को बता दूं, वो तो जो है वो उल्टा हो जाएगा। जी हाँ, तो जो आप लोग का 45 है वो इधर आ जाएगा, मीन्स आप लोग के 8:15 आप लोग का 18 का सी जो है ये आंसर होने वाला। तो इसके क्वेश्चन को आप लोग जरूर देखिएगा, इसका भी आंसर मैंने दिया हुआ। तो इसमें है आप लोग का 18वां का सी, जी 18 का सी जैसे मैंने आप लोग को बताया बिल्कुल सही है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। एक परीक्षा में अदिति को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिले, मीन्स अदिति को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 मिले हैं, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया गया है और उसने सभी 75 प्रश्नों का उत्तर दिया, यानी कि टोटल प्रश्न जो है वो 75 है और उसने 125 अंक मिले हैं, तो अदिति को कितने प्रश्नों में सही उत्तर दिए हैं। तो मैं आप लोग को बता दूं ये जो क्वेश्चन है वो आप लोग का इक्वेशन से ठीक सॉल्व होगा, मीन्स आप लोग एक इक्वेशन बनाएंगे, दो इक्वेशन बनाएंगे, इसके अलावा भी सॉल्व हो सकते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं, बट यदि यदि आप इक्वेशन बना के सॉल्व करते हैं तो बहुत ही इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग को देखिए एक इक्वेशन बन रहा है, इसमें दो उसने सभी 75 प्रश्नों के उत्तर दिए, मीन्स आप लोगों को 75 प्रश्न, तो यहाँ पे आप लोग को अदिति ने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए, तो हम सही उत्तरों को मान लेते हैं एक्स, यानी कि करेक्ट आंसर इक्वल टू एक्स और इनकरेक्ट आंसर इक्वल टू वाई। ठीक है, तो टोटल जो प्रश्न है वो 75 है, मीन्स एक्स प्लस वाई इक्वल टू 75 हो जाएगा, ये आप लोग की एक इक्वेशन बन जाएगी। इसके अलावा जो नेक्स्ट है उसने 175 अंक टोटल मिले हैं, तो टोटल मिले हैं तो 4 अंक जो है सही के लिए मिलते हैं, तो आप लोग यानी कि जो टोटल उसने सही किए हैं करेक्ट एक्स है तो 4x हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से वाई में 1 अंक कट जाते हैं तो टोटल जो होंगे वाई के 1y हो जाएगा, लेकिन माइनस होगा क्योंकि इसमें जो है माइनस होते हैं, तो 4x माइनस 1y इक्वल टू आप लोगों के टोटल मार्क्स 125 हो जाएंगे। ठीक है, 125, तो आप लोग की ये दो इक्वेशन बन जाएगी, x प्लस y इक्वल टू 75y, 4y माइनस के y इक्वल टू 125। इन दोनों इक्वेशन को यदि आप लोग सॉल्व करते हैं तो आप लोग यहां पे देखेंगे x इक्वल टू 40 और y इक्वल टू 35 आ जाएगा, लेकिन आप लोग को इसमें बोला गया कि अदिति ने कितने प्रश्नों को सही उत्तर दिया, सही उत्तर को हमने यहाँ पे x माना है, तो x इक्वल टू हमारा 40 है, तो 40 जो आंसर है यहाँ पे सी है, यानी कि 19 का जो सी आंसर है वो बिल्कुल सही है। तो आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर करेंगे क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं, जरूर आएंगे आप लोग के, आप लोग का जो पेपर होगा उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग को मिलेंगे। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, वो आप लोगों का 20वां क्वेश्चन है। इसमें आप लोग का जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि एक कक्षा में 70 विद्यार्थी गणित में पास हुए, 50 अंग्रेजी में पास हुए, 25 दोनों में पास हुए और 5 दोनों में फेल हुए, तो एक ही विषय में कितने विद्यार्थी फेल हुए। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि इसे मैं आप लोगों को दूं, आप लोग इसे सॉल्व कीजिए ताकि मुझे पता चल जाए आप लोगों की कितनी प्रिपरेशन है क्योंकि एग्जाम होने वाले हैं आप लोग के। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसे सॉल्व किया था लेकिन बट मैंने इसे छोड़ दिया, यहाँ पे साफ साफ मैंने लिखा हुआ 20 स्टूडेंट, यानी कि आप लोगों से कराऊंगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो 20वां क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा, एक बार देख लीजिए वीडियो को पुश करके। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आप लोग का 21। जी हाँ, 21 आप लोग का है यहाँ पे, तो इसे मैं पहले इधर कर देता हूं। 21 जो है इसमें आप लोग को बोला गया निम्नलिखित में से किस संबंध में सही आकृति का चयन कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित के संबंध में सही आकृति का चयन कीजिए, नीली आंख वाले व्यक्ति, स्त्रियां, डॉक्टर, तो इनके संबंध में जो है सही आकृति बनानी है। तो यहाँ पे देखिए कुछ संबंध आप लोग बना सकते हैं, जैसे कि नीली आंख वाले व्यक्ति स्त्रियां, यानी कि नीली आंख वाले मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, यहाँ पे जैसा इन्होंने दिया हुआ है, और नीली आंख वाले डॉक्टर भी हो सकते हैं, डॉक्टर स्त्रियां भी हो सकती है, मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, और मेल डॉक्टर भी हो सकते हैं, फीमेल डॉक्टर भी हो सकते हैं, तो यानी कि यहाँ पे जो तीनों इन्होंने दिए हैं ये तीनों ही किसी न किसी तरीके से आपस में संबंधित हैं।
ठीक है, इनमें आपस में संबंध निकल सकता है। तो यहाँ पे जो आंसर निकलने वाला है वो है डी। जी हाँ, 21 का डी आंसर होगा मेरे हिसाब से। आप लोगों के हिसाब से क्या है आप, तो आप लोग बताइएगा यदि आप लोगों को कुछ रॉन्ग लगे तो। लेकिन मैंने जो इसे सॉल्व किया है इस हिसाब से जो इसका आंसर 21 का डी ही होने वाला है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इसके बाद 22 क्वेश्चन हम लोग करते हैं। 22 में इन्होंने क्या पूछा हुआ है, इन्होंने पूछा चार उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति नीचे प्रश्न में दी हुई टुकड़ों से बनाई जा सकती है। यानी कि ये प्रश्न दिए हुए हैं, इसके अंदर कुछ टुकड़े हैं, इन उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है इन सभी को जोड़ करके। तो इसे आप लोग देखेंगे बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसमें जो आकृति बनेगी वो बनेगी आप लोग की ए। जी हाँ, ए वाली आकृति जो है ये आप लोग की जो पांचों टुकड़े दिए हुए इनसे बन जाएगी। तो इसका आंसर मैंने निकाला हुआ है, तो आंसर यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो 22 का जो है यहाँ पे ए आने वाला है। जी हाँ, तो यहाँ पे ए आंसर है इसका, इसमें जो पांच टुकड़े दिए हुए इनसे जो है ए वाली आकृति यहाँ पे बन जाएगी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आंसर देखते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर आते हैं, आप लोग जरूर कीजिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आप लोग का 23। जी हाँ, 23 क्वेश्चन है आप लोग का। तो 23 का मैं यहाँ पे पहले आंसर निकाल देता हूँ ताकि किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो आप लोगों को सॉल्व करने में। तो इसमें पूछा गया यदि किसी दर्पण को रेखा LM पर रखा जाता है, यानी कि जो रेखा दी हुई इस पे किसी दर्पण को रखा जाता है, तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिंब होगी। तो इसका प्रतिबिंब मैं आप लोग को बताऊं तो ये जो ऊपर नीचे का जो है ये इसमें सेम रहेगा। ठीक है, जो दाएं बाएं का ये आप लोगों का पलट जाएगा। तो इसमें जो आंसर होगा 23 का ए आंसर आने वाला। जी हाँ, 23 का ए आंसर बिल्कुल ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही मतलब नॉर्मली जो है आप लोग करेंगे तो आप लोगों को सारा एक्सपीरियंस हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं आने वाली है, स्पेशली मुझे कुछ बताने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए इसके बाद जो 24 में आप लोग को दिया हुआ निम्नलिखित आकृति में से कितने त्रिभुज है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी 101% आप लोगों के जरूर आएंगे। त्रिभुज होंगे, वर्ग होंगे, आयत होंगे, आप लोगों से पूछे जाएंगे कितने त्रिभुज हैं, कितने वर्ग हैं, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आएंगे। ठीक है, तो 24 का है आप लोग का, यहाँ पे देखिए इसमें जो त्रिभुज है अगर आप इसे काउंट करते हैं तो यहाँ पे आएगा आप लोग का सी, यानी कि 28 आंसर आप लोग का सही होगा। 24 का जो सी आंसर बिल्कुल सही है, इसके अंतर्गत जो है 28 त्रिभुज जो है आप लोगों को बन रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे देख लेंगे, काउंट करेंगे, जरूर करेंगे, ये क्वेश्चन आप लोगों को जरूर मिलेगा। फ्रेंड्स, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप लोगों का 25 क्वेश्चन। दी गई उत्तर आकृतियों में से उस आकृति को चुनना है जो कि प्रश्न आकृति में नहीं थी, जिसमें कि प्रश्न आकृति नहीं थी, यानी कि जो आप लोगों को कुछ प्रश्न में कुछ डायग्राम दिया हुआ, ये डायग्राम जो है आप लोग के उत्तर आकृति में होगी। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम डायग्राम आप लोग को ABCD किसी ना किसी में होगा, तो आप लोग को वैसा डायग्राम ढूंढना है। 25वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का, जो कि आप लोग का CISF हेड कॉन्स्टेबल में आता है, ये 25वां क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे कि इस प्रकार का डायग्राम सबसे पहला आप लोग आंसर देखते हैं तो इसी में मुझे लगता है कि ये डायग्राम बिल्कुल नहीं है। जी हाँ, देख सकते हैं आप लोग बिल्कुल सेम टू सेम डायग्राम है। इसके अलावा किसी और डायग्राम को आप लोग देखते हैं BCD में तो आप लोग को ये डायग्राम नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो एक आंसर जो है मुझे लगता है बिल्कुल सही है। और इस प्रकार से मैंने आप लोग को पूरी जानकारी दे दी है रीजनिंग की, CISF हेड कॉन्स्टेबल ट्रेड्स जो मिनिस्ट्रियल में आप लोग की रीजनिंग आई है, बिल्कुल सेम टू सेम मैंने पूरी जानकारी दे दी है। अभी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किस प्रकार का पेपर आता है। ठीक है, आप लोग इसे एक बार देखिए, दो बार देखिए, तीन बार देखिए, ताकि आप लोगों को जो है बिल्कुल एक्सपीरियंस आप लोगों को मिल जाए। और इसके अलावा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के टाइम, बट उससे पहले मैं आप लोगों से यही कहूंगा यदि किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही हो, चाहे सिलेबस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए, मैं आप लोगों की पूरी मदद करूंगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए ताकि मैं आप लोगों से हमेशा जुड़ा रहूं। तो फ्रेंड, चैनल से पहले आप लोगों से यही कहूंगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और बेल आइकन वाले बटन को भी दबा लीजिएगा ताकि इसके अलावा जो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप लोग उन वीडियोज को भी देख सकें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो के बाद। थैंक यू सो मच।